क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट टू है एक्सरसाइज 9.3 का, और क्वेश्चन गिवन है हमें साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये पाई बाय 6 एक्चुअली है क्या, ये पाई बाय 3 पाई बाय 4 है क्या। पाई इक्वल होता है 180 के, ठीक है, 180 डिग्रीज कह लें आप। और पाई बाय 6 का मतलब हो गया पाई बाय 6, तो 180 डिग्रीज बाय 6, 6 वन्स आर 6, 6 थ्रीज आर 18, ठीक है। तो ये हमारे पास पाई बाय 6 की वैल्यू क्या बची, 30 डिग्रीज। इसी तरह अगर मैं पाई बाय 3 की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो 180 डिग्रीज बाय 3, 3 वन्स आर 3, 3 सिक्स आर 18, तो ये हमारे पास पाई बाय 3 हमारे पास निकलेगा 60 डिग्रीज। और पाई बाय 4 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्रीज बाय 4, 4 वन्स आर 4, 4 ये हो जाएगा पाई बाय 4, 45, 4.45, ये हमारे पास 4.5 बच नहीं 4.5 और 18 होता है, जीरो उधर ही रह गया, तो ये 45 डिग्रीज बनता है। ठीक है, सिंपल आपको ये भी इजी इसका प्रोसेस है। अगर इससे भी सिंपल आपको समझना है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा कि पाई बाय 4 45 डिग्रीज कैसे बनेगा। ठीक है, और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, या कंट्रोल जेड करके मैं इसको इधर ही रहने देते हैं। हम यहाँ पे क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेते हैं। पाई साइन स्क्वायर पाई बाय 6 अगर हम इसकी जगह वैल्यू लिखें तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर पाई बाय 3 की जगह हम लिखेंगे 60 डिग्रीज प्लस टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 की जगह लिखेंगे 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 2। अब ये बिल्कुल सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। अगर हम इसमें टेबल देखना चाहें तो साइन सबसे पहले 60 डिग्रीज है हमारे पास, वो हमारे पास ये आ जाता है, सॉरी साइन 30 है सबसे पहले, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। हम वापस इधर जाते हैं, हम लिखते हैं साइन 1/2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 हमारे पास है अंडर रूट 3/2। वापस इधर जाते हैं, अंडर रूट 3/2 को होल स्क्वायर करते हैं प्लस टेंजेंट 45 की हमारे पास वैल्यू है 1। हम वापस इधर जाकर इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, ये 2 हम साथ साथ चलाते रहते हैं, 1/2 का स्क्वायर हो गया तो ये 1/4 आ जाएगा प्लस ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाता है प्लस 3/4 प्लस 1। हम 2 को इधर ही स्टॉप करते हैं, ये राइट हैंड साइड है हमारी, और इसको आगे प्रोसीड करते हैं, 4 एलसीएम ले लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 4, क्योंकि 1 के नीचे 4 नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये 4 प्लस 4 हो गया हमारे पास
डिवाइडेड बाय 4, ये आ गई हमारे पास वैल्यू 8 बाय 4, 4 वन्स आर 4, 4 टूज आर 8, ये हमारे पास रहेगी वैल्यू 2, और ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड। इससे ये प्रूव हुआ हमारा कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है।